चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन 20 मैंने आपको कल भी कहा था कि बच्चा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चे कर पाए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो सामने देख लें, जिन्होंने किया भी है ना एक बार फिर भी वो सामने देख लें, बिकॉज हो सकता है उनको भी कुछ नई चीज सीखने के लिए मिल जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20 ऐसा कहता है, वाई ओज एक्स ₹4,000, वाई पे करेगा पैसा एक्स को। कल मैंने छोटी सी बात बताई थी इसके लिए आपको, शायद देखिएगा कैसे लिखता है। वाई ओज एक्स मतलब वाई पैसे देगा, वाई ओज मतलब होता है पेबल, तो वाई पे करेगा पैसा एक्स यानी एक्स को। तो इस क्वेश्चन में जो ड्रॉअर है वो कौन है? एक्स, बाद वाला जो व्यक्ति होता है वो ड्रॉअर होता है, और ये वाई है ड्रोई, ठीक है। तो एक्स ने वाई पर एक बिल लिखा है, क्या बिल लिखा है, कितने रुपए का बिल है, जरा समझना। क्वेश्चन सेज 4,000 रुपीज वाई देगा एक्स को, मतलब एक्स पैसे मांगता है 4,000 रुपए वाई से। On 1st Jan 2019, Y accepted a 3-month bill for ₹3,900 in satisfaction of his full claim. Y ने bill accept किया 3,900 का full settlement में। तो X ने bill लिखा है, X entry करेगा BR account debit। क्योंकि इसने bill लिखा है, sir, ये discount क्या करें बेटा? कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके, ठीक है, एक बार अभी दिख जाएगा, पब्लर शो रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि वाई पैसे मांगता, पैसे देगा एक्स को, तो एक्स एक बिल लिख रहा है 3,900 का, डेट है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2019 है शायद, जो भी डेट है ईयर तो आप लगा देना। बीआर अकाउंट डेबिट 3,900, एक्स डिस्काउंट अलाउ कर रहा है ₹100 का, 2/4,000। सेम वाई अपने पास एंट्री करेगा, इसको डिस्काउंट रिसीव होगा, ये करेगा एक्स अकाउंट डेबिट 4,000, 4,000 रुपये एक्स को दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू बिल्स पेबल 3,900 और टू ₹100 का डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, ये बात समझ आती। इतना करने के बाद क्वेश्चन ऐसा कहता है आगे, ऑन द सेम डेट इट वाज एंडोर्स्ड बाय एक्स टू जेड इन सर्टिफिकेशन ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹3,980। अब एक्स से जेड नाम का बंदा पैसे मांगता है, जेड से मतलब एक्स से जो जेड पैसे मांगता है वो ₹3,980 मांगता है, और एक्स उसे 3,900 का एक बिल दे रहा है फुल सेटलमेंट में जेड को। तो समझना, जेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी, Z के लिए चलिए प्रॉपर स्पेस कर लेंगे, Z ये एंडोर्स ही हमारा। तो सेम डे मतलब 1 जनवरी को ही X एंडोर्स कर रहा है, तो X एंडोर्समेंट की एंट्री करेगा Z अकाउंट डेबिट टू BR टू डिस्काउंट रिसीव। अब X को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ₹3,980 Z मांगता है, तो Z में 3,980 बिल में आएगा ₹3,900, और ₹80 का जो है वो एक्स ने डिस्काउंट जो है वो क्या किया है, रिसीव किया है। क्लियरली शो नहीं हो रहा है क्या? अब तो हो गया ना, ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी ब्लर हो जाता है बच्चा, मुझे बता देना जब हो तो, ओके। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा है कि जेड अकाउंट डेबिट 3,980 टू बी आर 3,900 और टू डिस्काउंट रिसीव ₹80। आगे बच्चा सुनिएगा क्या है, आगे है एक्स का वाई का कोई रोल नहीं है, Z को 1 जनवरी को बिल मिल रहा है, Z अपने पास एंट्री करेगा BR अकाउंट डेबिट, BR आया मेरे पास 3,900 का, डिस्काउंट हमने अलाउ किया, डिस्काउंट हमने अलाउ किया, Z ने तो डिस्काउंट अलाउ किया ना ₹80 का, और 2 X से आया, तो X का पैसा ₹3,980 अब नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एंडोर्समेंट के टाइम पे भी डिस्काउंट है और बिल लिखते टाइम भी डिस्काउंट है, ठीक है। आगे लिखा है, द बिल वाज डिसऑर्डर ऑन द ड्यू डेट, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स। इसने सिर्फ एक्स की बुक्स में जर्नल एंट्री मांगी आपसे,
हम सारी बुक्स में एंट्रीज करेंगे, डिसऑनर होते ही जेड एक्स से कितने रुपए मांगेगा, बहुत सिंपल सी बात सुनिएगा। जो एक्स है से पहले जेड मांगता था 3980 रुपीज, अब जब बिल डिसऑनर हुआ तो जेड फिर से मांगेगा ना एक्स से कितने रुपए, वही सेम 3980 रुपीज। डिस्काउंट क्यों दिया था? डिस्काउंट दिया था वो पेमेंट कर रहा था इसलिए। अब जब उसने पेमेंट ही नहीं किया, पेमेंट ही मतलब उसका बिल ही डिसऑनर हो गया, तो 3900 थोड़ी बोलेगा जेड की भाई मुझे 3900 दो। तो जेड पूरे पैसे मांगेगा, एंट्री बहुत सिंपल है, 3 महीने के बाद, 1 जनवरी से 3 महीने, चलो 4 अप्रैल, डिसऑनर वाली एंट्री होती है जेड की बुक्स में। जेड किससे पैसे लेगा? एक्स से। इसके पास एक्स से बिल आया, एक्स अकाउंट डेबिट टू BR, टू डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड को भी कैंसिल करेगा, कैंसिल करने का मतलब क्रेडिट में लिखेगा। अब सुनना ध्यान से, यही एंट्री रिवर्स हुई, जो ऊपर लिखी है ना उस एंट्री को रिवर्स मांग दिया। एक्स से मांगेगा वही 3980 BR में। बेटा इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है क्या? नोटिंग चार्जेस होता तो और अच्छी चीजें होती इसमें, अभी नोटिंग चार्जेस नहीं है। 3980 बिल में जाएगा, 3900 का बिल है और 80 रुपीज का डिस्काउंट रिवर्स होगा। ये डिस्काउंट अलाउड पहले डेबिट था, क्रेडिट होकर के रिवर्स हुआ, ठीक है? मतलब अब ये डिस्काउंट फिर से अलाउड नहीं किया गया, वापस रिवर्स करके 3980 रुपीज जेड एक्स से मांगता है। अब नाम आया एक्स का, तो 4 अप्रैल को एक्स एंट्री करेगा अपनी बुक्स में। एक्स मांगेगा वाई से, वाई अकाउंट डेबिट, वाई से कितने मांगेगा? 3900 का बिल एक्सपायर हुआ तो 3900 नहीं मांगेगा, वाई से वही पुराने पैसे मांगे जाएंगे जो पहले थे, 4000 रुपीज थे, तो 4000 रुपीज मांगे जाएंगे। जरा देखिएगा, वाई से 4000 अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट 4000, डिस्काउंट एक्स ने पहले अलाउ किया था तो अब डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होगा, ये डिस्काउंट को हमने कैंसिल किया, एक्स भी तो कैंसिल करेगा 100 रुपए से। अब क्योंकि हमारे डिसऑनर की एंट्री होती है ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल जहां पड़ा है, तो इसने बिल किसको भेजा था? जेड को, तो 2Z, जेड इससे कितने रुपए लेगा? 3980 रुपीज पूरे अमाउंट। एक लास्ट एंट्री, जब आपने जेड को बिल एंडोर्स किया था तो आपने डिस्काउंट रिसीव किया था 80 का, अब इस डिस्काउंट रिसीव को भी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि जेड हमें डिस्काउंट अब नहीं दे रहा, तो डिस्काउंट रिसीव जो पहले क्रेडिट था अब उसको डेबिट करके रिवर्स कर दो 80 रुपीज। आप टोटल मार लो, डेबिट साइड का टोटल 4080 और क्रेडिट साइड का टोटल 4080। सेम एंट्री 4 अप्रैल को यहाँ पे वाई की होगी, वाई की बुक्स में एंट्री। वाई की तो एंट्री बहुत सिंपल, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट अगर होता तो यहाँ पे भी ये एंट्री पलट देगा, डिस्काउंट भी, इसके लिए भी डिस्काउंट जो रिसीव है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि बिल तो 3900 का है और 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव भी है। 2x, x को देगा फिर से 4000 रुपए, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। SS लेने बचा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। ट्वेंटी टू नंबर का क्वेश्चन, क्या आप बच्चे कर चुके हैं क्या? चारों केसेस यही डिसऑनर वाले हैं। नहीं किए क्या बच्चा? चलिए कोई बात नहीं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। मुझे 24 नंबर की क्वेश्चंस के पिक नहीं है यार, कोई बच्चा भेज देगा क्या? उसे पहले मैं एक क्वेश्चन जो मेरे पास है वो मैं करवा दूंगा पहले, ठीक है? 22 तक मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको करना है, शायद 22 किया या नहीं किया मुझे नहीं पता आप लोगों ने। चलिए 24 से लेके तो है मेरे पास 24, 25, 26, 27, 28, इनमें से एक क्वेश्चन मैं पहले आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? 22 आपको करना है, आपने अगर नहीं किया हो तो 23 आपसे हो जाएगा, 24 आपसे हो जाएगा, न्यू बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं 25th, अभी नहीं करना बिकॉज वो एक रिन्यूअल वाला टॉपिक है जो इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे दो क्वेश्चन करने के बाद। 26 वाले में भी नहीं है क्योंकि वो भी रिन्यूअल वाला टॉपिक ही है। 27 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ एक से ज्यादा बिल्ड जो है वो हो रहे, ड्रॉ हो रहे, ठीक है?
28 आप कर सकते हैं, 27 एक में करवा रहा हूं आपको, इसके बाद एक नया टॉपिक है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चा सामने, देखिए बच्चों 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 27 क्वेश्चन सेज On 15th June 2019, X sold to Y goods to the value of rupees 15,000. X ने Y को 15,000 रुपए का गुड्स बेचा है 15 जून को। Drawing upon the letter two bills, one for rupees 10,000 payable 2 months after date, and other for rupees 5,000 payable 3 months after date. X ने बिल को डिस्काउंट करवाया है बैंक से 6% पर एनम पे एंड एंडोर्स द सेकेंड बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर Z. दूसरा वाला बिल उसने क्रिएटर जेड को एंडोर्स कर दिया है। पहला बिल जो है वो मैच्योरिटी में मेट हो जाता है, लेकिन दूसरा बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन जब आता है ना, तो आप क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन के आउटलाइन बनाए नहीं कर सकते। तो मैं क्वेश्चन की आउटलाइन देखना कैसे बना रहा हूँ, 15 जून को कुछ बेचे गए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट ऑफ ड्रॉइंग, यानी बिल कब बनाया, 15th जून। बिल कितने है देखिए मैं यहाँ पे बता लिख रहा हूँ बिल का डिटेल, जो बिल है एक है BR1 एक है BR2 सेम डेट पे। अमाउंट कितना है बिल का भाई, एक है 10,000 रुपए का एक है 5,000 रुपए का। टर्म कितनी है, टर्म एक बिल 2 महीने का है और दूसरा बिल 3 महीने का है, एक 2 महीने एक 3 महीने। तो बेटा इनके अकॉर्डिंग, 2 और 3 महीने के अकॉर्डिंग इनकी ड्यू डेट क्या होती है, मैच्योरिटी डेट क्या होगी। देखिए 15 जून से 2 महीने चलो, 15 जुलाई 15 अगस्त, 15 अगस्त में 3 दिन जुड़ेंगे 18 अगस्त, और 15 जून से वापस सेम 18, नहीं 2 महीने है ना इसमें, दो 15 जून से 15 जुलाई 15 अगस्त, 18 अगस्त होंगे इसमें, और इसमें 18 सितंबर हो जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर आता है। ओके हुआ क्या है बिल का, ओरिजिनली मैच्योर हुए क्या, मैच्योरिटी डेट पे मेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये मेट, ये वाला बिल फर्स्ट वाला बिल तो है। अच्छा नहीं, पहले इन बिल के भी ट्रीटमेंट्स हैं, इन बिल को हमने क्या किया ट्रीटमेंट्स। देखिए जी क्वेश्चन में लिखा है एक्स डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद हिज बैंक एट 6%। पहला बिल तो बैंक से डिस्काउंट हुआ है क्या रेट में, 6% हमारा रेट, और सेकेंड वाला जो बिल है वो एंडोर्स किया है, इसको एंडोर्स किया है जेड को, एंडोर्स टू जेड। अब यहाँ पे मैट हुआ या नहीं हुआ, तो क्वेश्चन कहता है पहला वाला बिल तो मैट ऑन मेजॉरिटी है, मतलब ये तो मैट हो गया और ये डिसऑनर हो गया दूसरा वाला बिल। अगर डिसऑनर हुआ है तो कितने रुपए का नोटिंग चार्जेस बनता है, तो बेटा नोटिंग चार्जेस जो है वो डिसऑनर वाले बिल का बनता है 50 रुपए, 50 रुपए। इसका तो कुछ नहीं बनता फर्स्ट वाले का। यहां तक आपको पूरा क्वेश्चन का आउटलाइन समझ आता है कि मैंने 50 थोड़ा सा इसको यहां लिखना है और ये 50 यहां पे लिखना है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां से पढ़ते जाना है और क्वेश्चन को लिखते जाना है। देखिएगा कैसे लिखेंगे, 15 जून को पहले एंट्री करेंगे एक्स ने वाई को माल भेजा है, ये एक्स की बुक्स ये वाई की बुक्स, ठीक है। वेट करना बच्चा एक बार, चलिए बच्चा देखिएगा मैं आपको बता रहा था ये वाला क्वेश्चन x ड्रॉर y ड्रॉई। x अपनी बुक्स में 2 एंट्रीज पास करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में डेट आई थिंक नहीं दी हुई है ना, डेट अभी हम लोग देखते हैं, देखिए डेट देख लेना अगर हो तो। सबसे पहली बात BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, BR1 10,000 का, BR2 5,000 का, टू वाई से मिला 15,000, क्लियर यहां तक। वाई लिखेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 टू बिल्स पेबल 2, मैं बीपी लिख रहा हूं आपको, बिल्स पेबल पूरा लिखना है। टोटल 25,000 रुपीज देना है, 15,000 देना है, 10,000 बीपी 1 और 5,000 बीपी 2। नेक्स्ट 15 जून को लिखा गया है बिल, 15 जून, ठीक है। यहाँ पे भी 15 जून, डेट इंपॉर्टेंट होती है बेटा इस चैप्टर में, याद रखना। अब आपने फर्स्ट बीआर को बैंक से डिस्काउंट करवाया 6% पर एनम पे सेम डेट पे, शायद डेट वही है ना,
15th जून ही है ना, एक बार चेक कर लेना कुछ बच्चे। 15th जून को जब आप पहला बिल बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR1, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली BR1 लिखना पड़ेगा। अब बिल रिसीवेबल वन का अमाउंट है 10,000 इंटू, इसका रेट है 6% इंटू, ये बिल लिखा कितने महीने के लिए गया, 2 महीने के लिए, रेट पे नहीं लिख रखा है, तो 2/12, 6 2 12, 2 से 2 कट गया, 2 0 से 2 0 गया, 100 रुपए का ये आ गया आपके पास डिस्काउंटिंग चार्जेस। 10,000 का बिल है, 9,900 आपके बैंक में आ जाएंगे। इसकी ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा, और बिल जो है वो आपने एंडोर्स किया है, एंडोर्समेंट की भी शायद डेट सेम है, 15th जून को बिल नंबर 2 एंडोर्स हुआ है, तो जेड अकाउंट डेबिट टू BR2, ये आ गया आपका 5,000 का बिल। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा, वाई ने अभी तक कोई एंट्री पास नहीं की, जेड ये एंडोर्स ही है, इसके पास बिल आया है एक्स से, तो एंट्री होगी यहाँ पे 15th जून को बिल 2 आया है इसके पास, याद रखना। तो BR2 याद रखने के लिए अपन लिख रहे हैं BR2 अकाउंट डेबिट, इसके लिए तो बिल मतलब बिल है, इसके लिए 1-2 लिखने की जरूरत नहीं, 1-2 तो यहाँ कंफ्यूजन है एक्स की बुक्स में और वाई की बुक्स में, वहां लिखा है हमने, तो BR2 अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना अमाउंट आया इससे हमारे पास, 10,000 का, 5,000 का बिल आया, ठीक है। अब इसके बाद ड्यू डेट पर जो पहला बिल था वो तो मैट हो गया, तो बेटा फर्स्ट बिल जब मैट हुआ, एक्स के पास बिल नहीं, वो बिल बैंक में पड़ा है, तो बैंक अपने पास एंट्रीज पास करेंगे, लेकिन वाई अपने पास एंट्री करेगा 18th अगस्त को, ये तो एंट्री करेगा ना फर्स्ट बिल का पेमेंट करने की, ये करेगा BP1 अकाउंट डेबिट टू बैंक, BP1 अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक को पैसे दे क्या है, अमाउंट आएगा 10,000, यहां तक कंफर्टेबल है। अब है नेक्स्ट बिल, जो दूसरा वाला बिल है वो 18 सितंबर को क्या होगा, 18th सितंबर को ये वाला जो बिल है वो पे होना है, लेकिन ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो जब ये 18th सितंबर को डिसऑनर हुआ तो 18 सितंबर को ये बिल पढ़ा किसके पास है, जेड के पास, तो सबसे पहले 18 सितंबर को जेड अपने पास एंट्री पास करेगा, क्या एंट्री पास करेगा, ये फिर से एक्स से पैसे मांगेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू BR, और क्योंकि इसके पास पड़ा हुआ बिल डिसऑनर हुआ और इसने नोटिंग चार्जेस पे किया है, तो टू कैश, 50 का नोटिंग चार्जेस, 5,000 रुपए का बिल था, 50-50 रुपीज ये एक्स से मांगेगा, और एक्स अपने पास एंट्री क्या करेगा बिल डिसऑनर होने की 18 सितंबर को, एक्स करेगा, एक्स वाई से पैसे मांगेगा, वाई अकाउंट डेबिट, दिख रहा है, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड, इसने जेड को एंडोर्स कर रखा है, तो अमाउंट कितना मांगेगा, 50-50 बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, और 18 सितंबर को वाई अपने पास एंट्री करेगा BP2 अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 1-2 की बात नहीं आएगी, यहाँ पे BP2 यहाँ आएगा, अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इसको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे टू एक्स, ये एक्स को देगा पेमेंट, तो 5,000 का बिल है, 50 रुपीज का नोटिंग चार्जेस, 50-50 रुपीज आ गया क्रेडिट में, यहां तक समझ आता है आपको। अच्छा, ये जो चीजें थी ना, ये तो अभी तक नॉर्मल केस में हम लोग डील कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन, अभी इसमें एक डेट और लिखी है बेटा, कोई डेट बताना उसके आगे वाली लाइन में क्या लिखा है, कौन सी डेट को उसने पेमेंट कर दिया है, क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा है, क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि कुछ दिन के बाद वाई ने एक्स को पेमेंट करके वो अमाउंट पे कर दिया, मतलब सेटल कर दिया उसका अकाउंट, 5,100 रुपीज पे किया विद इंटरेस्ट, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, तो एक बार मुझे डेट बता दीजिए कौन सी डेट को किया, शायद 15 जून से 1 जुलाई की डेट है वो, एक बार इतना एसेस ले लीजिए, फिर मैं रफ करके एक एंट्री और पास करूंगा लास्ट फाइनल सेटलमेंट। इतनी दिख रही है, एक बार तो ब्लैक बोर्ड से करना, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा मुझे तो, क्लीन दिख रहा, अच्छा डेट नहीं दिख रही, ओके देखिए अब एसएस ले लीजिए बेचारे पर, अभी भी क्लियर नहीं दिख रही क्या, मैं देख सकता हूँ, ओके क्लियर है, ठीक है बच्चों, एक लास्ट एंट्री है 1 जुलाई की, शायद 1 जुलाई को वाई ने एक्स को पेमेंट कर दिया 51, ठीक है ले लो एसएस।
ले लिया होगा। चलिए देखिएगा, फर्स्ट वाली एंट्री मुझे हटानी पड़ेगी। अब जो एक्स है इसको पैसा रिसीव हो रहा है वाई से, आई थिंक वो डेट है सितंबर के बाद, शायद फर्स्ट नवंबर है, कौन सी डेट है वो आप देखना, फर्स्ट नवंबर या फर्स्ट दिसंबर है, फर्स्ट अक्टूबर होगा। ओके, सितंबर में तो पेमेंट हुआ ही है ना, सितंबर में तो डिसऑनर हुआ ही है। फर्स्ट अक्टूबर को एक्स अपने पास एंट्री पास करेगा, क्या करेगा, इसके पास कैश आ रहा है, चेक आ रहा है या कैश आ रहा है ये कंफर्म नहीं है, आप देख लेना, चेक हो तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेना। चेक कैश आ रहा है 5100 का टू वाई, वाई से तो हम 5050 ही मांगते हैं, 50 रुपीज मांगते हैं, मतलब 5050 रुपीज मांगते हैं, वो 50 रुपीज हमें एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है। आप देखिए 18 सितंबर को बिल डिसऑनर हुआ है, 18 सितंबर से 1 अक्टूबर को पेमेंट कर रहा है, 12 दिन लेट कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी दे रहा है 12 दिन का। अब वो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट इंटरेस्ट है 50 रुपए का, समझ गए। ऐसे वाई अपने पास एंट्री करेगा फर्स्ट अक्टूबर को, एक्स अकाउंट डेबिट 5100 टू, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेगा 50, एक्स को दे रहा है 5050 एक्स में, क्योंकि एक्स मांगता कितना है, देखिए इस वाली एंट्री में क्रेडिट में लिखा कितना है 5050 रुपीज लिखा है, तो ये एक्स को तो 5050 से डेबिट करेगा, बाकी 50 रुपीज का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है और टू कैश 5100। अगर चेक से होता तो टू बैंक कर लेना, यहाँ पे भी बैंक कर लेना। ये बेटा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ये लास्ट एंट्री मैंने पास की, ये लास्ट एंट्री अक्टूबर की, ठीक है। क्वेश्चन 27 कंप्लीट होता है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पहले पूछ लो।